हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं लेक्चर 3 ऑफ चैप्टर साउंड। और हमारा आज का टॉपिक है साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। तो ये हमने पहले भी पढ़ा था, साउंड को या सॉलिड या लिक्विड या गैस कोई ना कोई मीडियम चाहिए, बिना मीडियम के साउंड विल नॉट ट्रेवल, साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। उसी को हम यहाँ पर प्रूव करेंगे एक्टिविटी से। पहले एक बार देख लें बुक से। फर्स्ट पैरा, साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल क्यों है? बिकॉज इट इज कैरेक्टराइज बाय मोशन ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स कैसे होते हैं? वाइब्रेट करते हैं अबाउट देयर मीन पोजिशन। सो साउंड वेव इज कैरेक्टराइज बाय मोशन ऑफ पार्टिकल्स, सो इट इज अ मैकेनिकल वेव। इट नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल, जैसे सॉलिड लिक्विड या गैस या एयर वाटर स्टील। तो पता है साउंड फास्ट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन एयर और वाटर और स्टील। किस में? एयर में। वॉट? नो, साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन स्टील। साउंड की सबसे ज्यादा स्पीड होती है स्टील में, सॉलिड में, और सबसे कम होती है गैस में। ठीक है, इट कैनॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। और उसी को हम यहाँ पर एक्टिविटी से समझेंगे। हमने एक इलेक्ट्रॉनिक बेल ले ली है। टेक एन इलेक्ट्रिक बेल एंड एयर टाइट ग्लास बेल जार। ये हमारा बेल जार है, एयर टाइट ग्लास बेल जार, कांच का बना हुआ है ताकि हमें अंदर का दिखाई दे। ठीक है, द बेल जार इज कनेक्टेड टू अ वैक्यूम पंप। यहाँ पर वैक्यूम लगा दिया हमने, वैक्यूम पंप से कनेक्ट कर दिया है इसको। इफ यू प्रेस द स्विच, ये स्विच ऑन किया हमने, इफ यू प्रेस द स्विच तो क्या होगा? यू विल बी एबल टू हियर द बेल। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर एयर है, मीडियम है, इसलिए हमें सुनाई देगा। नाउ स्टार्ट द वैक्यूम पंप। क्या करेंगे हम? धीरे धीरे यहाँ से वैक्यूम पंप स्टार्ट किया तो धीरे धीरे एयर कम होने लगेगी, यहाँ पर अमाउंट ऑफ एयर रिड्यूस होने लगेगा। व्हेन द एयर इन द जार इज पंप्ड आउट ग्रेजुअली द साउंड बिकम्स, जो इलेक्ट्रॉनिक बेल की जो साउंड है वो हमें कम सुनाई देने लगेगी, फीबल होती जाएगी। साउंड विल बिकम फीबल एंड फीबल, साउंड बिकम्स फेंटर। ऑल्दो द सेम करंट इज पासिंग थ्रू द बेल, सेम कनेक्शन जो हमने दिया है सेम करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन फिर भी हमें जो यहाँ पर साउंड है वो फेंटर सुनाई देने लगेगी। और आफ्टर सम टाइम व्हेन लेस एयर, वैक्यूम पंप हमने चालू किया हुआ तो एयर कम होते होते बहुत कम हो गई, व्हेन लेस एयर इज लेफ्ट इनसाइड द बेल जार यू विल हियर अ वेरी फीबल साउंड। आगे है, व्हाट विल हैपन इफ द एयर इज रिमूव्ड कंप्लीटली। अगर एयर को कंप्लीटली रिमूव कर देंगे तो नो साउंड विल बी हर्ड। व्हेन एयर इज रिमूव्ड Completely, will you be able to hear the sound of the bell? No. Clear हो गया? Clear हो गया? तो यहाँ पर medium चाहिए sound को travel होने के लिए, medium चाहिए। Sound is a mechanical wave, it is a longitudinal wave and it needs a medium to travel। और यहाँ पर हमने जैसे air को हटाते गए medium हमने बिल्कुल जब बिल्कुल zero कर दिया, when no air is there, तब क्या होगा? No sound will be heard।